जितना नीचे उतरना आसान है उससे मुश्किल है चढ़ना वापस। पार्वती रिवर का नज़ारा बहुत सुंदर लग रही है यार। ये पार्वती रिवर यहाँ दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग के अंदर। ये है अभी आज कल रात को हम रुक गए थे कसोल के अंदर और कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक था नाइट में। फिर कसोल पहुंचने में हमें कम से कम 2-2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ा था, लेकिन अभी बिल्कुल खाली हो चुका है। अभी ऐसा कुछ माहौल नहीं है कि अपने को कोई दिक्कत आए आने परेशानी हो। और बात करें पार्वती रिवर, पार्वती रिवर बिल्कुल सूख चुकी है। एक मामूली सा झरना, छोटा सा झरना चल रहा है, बाकी सब सूख चुका है। अगर अभी कोई आप विजिट करना चाहो तो आप विजिट कर सकते हो, लेकिन अभी स्नोफॉल का टाइम कुछ नहीं है कि अभी कम से कम 15-20 दिन और लगेंगे, जनवरी में स्नोफॉल जाके स्टार्ट होगी। अभी कुछ नहीं है तो हम बात करते हैं रोहताश जी से। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। क्या फील कर रहे हो आप? ज़बरदस्त। हम कल यहीं ये कसोल कैंप से यहाँ पार्टी करी थी, आज हम कैफे और विजिट करेंगे, चलाल विलेज जाएंगे। कल हम चलाल गए थे लेकिन वापस नाइट जा लेट हो गए थे, वापस आ गए थे, लेकिन अभी हम जाएंगे आगे भी। अभी मणिकर्ण गुरुद्वारा भी जाएंगे। ये रोड उधर से आ रही है जो ये बुंदर साइड से आ रही है, आगे जाएगी रोड ये मणिकर्ण साहिब की तरफ। ये ऑन रोड ही होटल है हमारा, तो हमें यहीं स्टे कर लिया था क्योंकि कल रश ज़्यादा था तो होटल मिलना मुश्किल हो रखा था। तो मिलते हैं आपसे आगे, सुबह सुबह महादेव के दर्शन करेंगे और उससे आगे तोस वाले ट्रैक पे जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे, इससे पहले जाएंगे मणिकर्ण गुरुद्वारा साहिब और जो शिव जी का टेम्पल है जहाँ पे हॉट स्प्रिंकलर वाटर है जो अपने आप से फुहारा फूटा हुआ है गर्म पानी का, तो पहले हम आपको वो दिखाएंगे। उसके बाद हम आगे तोस की तरफ जाएंगे, तोस और बीच में एक दो विलेज और पड़ते हैं तो वहाँ भी हम आपको विजिट करवाएंगे। यहाँ से कसोल से मणिकर्ण पड़ता है मात्र 2.5-3 किलोमीटर के बीच में, ज़्यादा गैप नहीं है। और अभी अगर ट्रैफिक कम होना तो बहुत शांत रोड है और आप ऐसे जंगलों में घूम के ऐसे नज़ारे भी अलग ही टाइप के आते हैं इधर। बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है आज यहाँ पे, कल इस टाइम पे इतना ज़्यादा रश था कि सुबह का 11 बजे का ट्रैफिक शाम को 9 बजे जाके क्लियर हुआ था। क्योंकि लोगों ने एक बार क्या कोई फेस्टिवल आ जाता है, कोई फंक्शन कुछ भी ऐसा कुछ होना कि न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस आ गया, तो ऐसे पीक पॉइंट पीक सीजन में ना ट्रैफिक हैवी हो जाता है, ऑटोमेटिक सी बात है। सब लोगों के छुट्टियों का टाइम आ गया तब भागेंगे, तो इन चीज़ों को थोड़ा आप अवॉइड करोगे, अवॉइड करके चलोगे तो अच्छा इन्जॉयमेंट कर पाओगे आप। और बात करें पार्वती नदी की, पार्वती नदी जो कसोल के बिल्कुल पास में से बहती थी, अब वो कसोल के बिल्कुल पास में नहीं बहती है, कसोल से एक पहाड़ पीछे चली गई है वो। और ये वापस मेरे को लग रहा है ट्रैफिक वापस उतना ही हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मणिकर्ण गुरुद्वारा मणिकर्ण की साइड से जो बसें आती है ना, जो रूट दिल्ली रूट की बसें हैं, ट्रैफिक उनके कारण लगता है कि ये बसें बड़ी है और ये ज़्यादा रोड चौड़ा है नहीं, तो दिक्कत वहाँ आती है सबसे बड़ी। अभी गुरुद्वारा साहिब के लिए भी लोग बाग बहुत आए हुए हैं, ये देखिए इधर बहुत मान्यता है सिख धर्म में इनकी, इस गुरुद्वारे की। ये देखिए पार्वती रिवर, अब भाव आया तब देख कितने बड़े बड़े पत्थर आए होंगे इनके साइड में, कितने बड़े बड़े टूट के पत्थर आए होंगे, तो कुछ नहीं छोड़ा था इसने। पत्थरों का साइज इमेजिन करो ना, तो ये मान के चलो एक गाड़ी के साइज के पत्थर है ये, और पानी के आगे ये भी नहीं टिक पाए। जैसे अपन मणिकर्ण गुरुद्वारे की साइड चलते हैं तो थोड़ा सा आगे चलने पे 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद कैफे वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे कैफे भी इधर। और रिवर साइड क्या ही नज़ारे हैं यार, ऐसा जंगल आप नीचे तक जा सकते हो, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इनकी हाइट का अंदाज़ा वैसे लगा ही नहीं सकते अपन। आओ नीचे चलते हैं, आ जाओ। और ये रोड है मणिकर्ण जाने वाली रोड, अभी दिखाते हैं हम आपको नीचे भी चल के, नीचे भी जाते हैं। ये पूरा नज़ारा जो देख रहे हो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पीछे वाला। चलो चलते हैं नीचे, रिवर साइड चल के जाते हैं, दिखाते हैं आपको नीचे। अब क्या है, पार्वती रिवर है ना थोड़ी खिसक चुकी है, मतलब जो बाढ़ आई ना बाढ़ के बाद में कि नदियाँ अपना रास्ता खुद बनाती है,
इसीलिए तो नदियों को बोला जाता है कि बहाव के पीछे, बहाव के अनुसार नहीं चलती, खुद का रास्ता खुद बनाती है। तो नदी एक पहाड़ पीछे खिसक गई थी। अब ये तो फ्लो सेम है, थोड़ा आगे चलोगे ना तो पहले इसी रोड के बगल बगल में थी रिवर, बाद में जो पानी की ओवर फ्लो हुआ तो उस साइड एक पहाड़ दूसरी साइड निकल गया पानी। तो अभी कसोल के अंदर पार्वती रिवर का एक छोटा सा निशान बाकी रहा, बाकी दूसरी साइड चल जा चुकी है नदी। इन जंगलों में घूमने में सुकून बहुत है, नदी के किनारे हो और ये सुकून हो, क्या ही बात है। बहुत सारे लोग नीचे गए हुए भी हैं भाई, क्या जन्नत दिख रही है इधर। पार करके भी उस साइड भी जाएंगे हम, शाम को उधर चलाल की तरफ जाएंगे ना तो पूरा जंगल से होते हुए घूम के जाएंगे। पर नीचे बच्चे भी जा रखे हैं, इट्स ऑसम। क्या यहाँ साइड में जो कैफे होते हैं ना, इन्होंने ये रास्ते बना लेते हैं, खुद का रास्ता बना के आने जाने वालों के लिए बना देते हैं रास्ता। ये देखो पार्वती नदी का नज़ारा, बहुत तेज फ्लो है अब भी। रास्ते जितने दिख रहे हैं ना अच्छे, उतने खतरनाक भी हैं। जैसे जैसे पूरी नदी का फ्लो कम होता, पहले फ्लो ये मान के चलो कि वो जो किनारा दिख रहा है वहाँ तक फ्लो था उसका, और धीरे धीरे फ्लो कम होता गया होता गया, अब एक मामूली सा झरना ही बाकी रहा है तो नदी के अंदर। यहाँ के सुकून है कि नहीं, देख पूरे बादल भी नीचे आ रखे हैं। यहाँ फोटोग्राफी करो, फोटो शूटिंग करो, फिसल मत जाना आराम से, बढ़ जाओ शाहरुख खान भैया से। क्या बात है भाई, पिछली बार जब मैं आया था यहाँ तो उसमें स्नान भी किया था, अब की बार पानी बहुत चिल है यार। पानी भी चिल, पहले दो तीन बार आया ना मैं तो पानी साफ ही नहीं था, इस बार पानी बारिश के बाद में बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। इस साइड से ऊपर फिसल सकते हो, ध्यान से, बहुत ध्यान से फिसलने का चांस पूरा पूरे है। लो भाई पहुंच गए, अब मन तो कर रहा है कि मैं डुबकी, मन तो कर रहा है कि डुबकी लगा लूं, पर डुबकी लगा। आजकल जो एक ये फैशन चल रहा है स्किन केयर के लिए कि आइस बाथ ले रहे हैं, और उससे अच्छा तो कहीं यहाँ आइस बात लो, आइस से भी कूल है ये टेम्परेचर। सही है, विद्युत जामवाल बन जाओ, विद्युत जामवाल की तरह अगर आप इसके अंदर घुस जाओगे तब पता लगे ना कि क्या। जरूर जरूर, इसमें कल मॉर्निंग का बात इसी में लेंगे। ये ऊपर पहाड़ियाँ देखो आप, अरे पत्थर देख, पानी के आगे देख, पत्थर की औकात देख, इतना बड़ा। नेचर की खूबसूरती असली यही है, यहाँ आके कहते हैं ना वो मूवियों में देखते हैं अपन के, यहाँ आके घंटों सुकून से बैठने में जो मजा है वो कहीं नहीं है, वो यहाँ है। लेकिन अब दिनों दिन क्या है कि भीड़ ओवर क्राउडेड होती जा रही है, अब कोई भी स्टेशन ऐसा बचा नहीं है। जैसे मनाली जाते हैं तो मनाली में क्या है, एक मॉल रोड रहा है, एडिम्बा देवी टेम्पल रहा है, ओल्ड मनाली रहा है, कोई छोटा मोटा मार्केट रहा है, अब वो बात रही नहीं है कि जाके कि कुछ देखने को मिले, ओवर क्राउडेड हो जाता है, वहाँ रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। मैं आपको पानी नज़दीक से दिखाता हूँ, अब अरे नज़ारा बहुत सुंदर,
पार्वती रिवर का नज़ारा बहुत सुंदर लग रही है यार। ये पार्वती रिवर यहाँ पर जो सुकून, ठंड बहुत है इस टाइम पे, टेम्परेचर का इमेजिन करोगे तो माइनस में होगा टेम्परेचर। दिन में सूरज ऊपर दिख रहा है अच्छे से, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है और पानी का बहाव भी बहुत तेज है। कितना साफ पानी दिख रहा है। और पूरी वैलियों के बीच के अंदर है ये, पूरे बड़े बड़े जंगलों के बीच में ये रिवर जाती है। ये कसोल से मणिकर्ण जाते हैं ना, पर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो रास्ते के अंदर ये सीन मिलता है आपको। आप थोड़ा डाउन आना पड़ेगा क्योंकि रोड ऑन रोड हाईवे उधर रह गया, उस रोड पे रह गया, तो आपको नीचे उतर के आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इधर आए हुए भी हैं, पिकनिक के लिए भी आए हैं इधर। बस जस्ट यहाँ पे बैठो सुकून से, जिसको सुकून चाहिए ना वो यहाँ बैठ के देखो, आप नदी के बहाव को देखो तो भी अलग फील आएगा कि हम कहाँ आ गए, कौन सी जन्नत है ये, क्या नज़ारे। पानी की आवाज़ पता नहीं मेरी आवाज़ आने दे रही है कि नहीं आने दे रही। जस्ट बहाव को देखो आप, लोग जाते हैं मनाली जाते हैं शिमला जाते हैं, भीड़ ओवर क्राउडेड हो जाती है। लेकिन एक टाइम पे ओवर क्राउडेड होने के कारण क्या है कि टूरिस्ट भी कोई मज़ा नहीं ले पाते, जो आते हैं बाहर से वो भी इंजॉय नहीं कर पाते, ना ढंग से रहने का कोई उनको साधन मिलता व्यवस्था होती ना कुछ और। तो इससे अच्छा है कोई ऑफ बीट लोकेशन जाओ, हिल स्टेशन लगभग सारे एक जैसे होते हैं, वो एक मॉल रोड सब जगह होती है, घूमने की जगह सारी एक जैसी होती है। अब कसोल में भी ओवर क्राउडेड होने लगे, पहले क्या है कसोल के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, अभी लोगों को वीडियो बढ़ा के यूट्यूबरों ने सब लोगों ने ये हाईलाइट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड आता है यहाँ पे। इधर ऊपर से नीचे आ रहे हैं लोग अभी भी, अब तक नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर होंगे, इन पत्थरों के साइज से अंदाज़ा लगाओ आप, ये पत्थर कितना बड़ा होगा इसका आप अंदाज़ा नहीं ला सकते। ये एक बड़ी गाड़ी मान के चलो, जैसे कोई एसयूवी से भी बड़ा पत्थर है, फॉर्च्यूनर ले लो आप, फॉर्च्यूनर के बराबर का पत्थर है ये, जो सारे पत्थर पड़े हैं। और पानी के बहाव में सारे बह के आए हैं, पीछे देखो इतने बड़े बड़े पड़े हैं, पेड़ों को पेड़ उखाड़ दिए, तो पानी के आगे किसी का औकात नहीं है। हवा पानी आग इनके आगे किसी का बस भी नहीं चलता। पार्वती नदी को भाई बोलते हैं, चलते हैं वापस अब ऊपर जंगल में। ये कोई मूवियों की शूटिंग होती है वैसे ही फील नहीं आ रहा क्या? ये जंगल, ये बड़े बड़े पेड़ है, पुराने टाइम में मूवियों में आते थे ना, गाने गाते थे इनके बीच में घूम घूम के। पत्थरों को पूरा गोल कर दिया इन्होंने। और जाएं किस साइड से? यहीं से आए थे, यहीं से चले, उसके पत्थर के पीछे से आए थे, दूसरी साइड से। नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ से आए थे, यहाँ से नहीं आए थे, यहाँ से आए थे भाई। आप चलो, जितना नीचे उतरना आसान है उससे मुश्किल है चढ़ना वापस। सांस भर गया बिल्कुल।